सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपके पास रियलमी 9i 4G की डिवाइस है तो आप काफ़ी लंबे से वेट कर रहे थे कि उसमें रियलमी UI 4.0 और Android 13 का ईयरली एक्सेज ओपन बीटा का अपडेट रियलमी की ओर से कब रोल आउट किया जाएगा। तो फाइनली आज के डेट में रियलमी ने रियलमी 9 यूजर के लिए रियलमी UI 4.0 और Android 13 का ईयरली एक्सेज ओपन बीटा का अपडेट रोल आउट कर दिया है। चलिए देख लेते हैं कि इस अपडेट को आप अपने डिवाइस में सबसे पहले कैसे करेंगे और इस अपडेट को करने के लिए क्या क्या गाइडलाइन का आपको फॉलो करना पड़ेगा और कैसे सबसे पहले अपने डिवाइस में अपडेट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ डिटेल द्वारा बताने वाला हूं। और अब ईयरली एक्सेज का फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे कि आपके डिवाइस में सबसे पहले अपडेट देखने को मिल पाए, मैं इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप ऑफिशियली कम्युनिटी पे पोस्ट किया गया है रियलमी 9i से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ईयरली एक्सेज UI 4.0 एंड i13 ईयरली एक्सेज एप्लीकेशन फॉर्म ओपन फॉर रियलमी 9i। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि UI 4.0 का ईयरली एक्सेज 9i यूजर के लिए रोल आउट किया गया है और इसके लिए क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ और कौन से यूजर को ये अपडेट सबसे पहले देखने को मिल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लिमिटेड यूजर के लिए अपडेट रोल आउट किया गया है, सभी यूजर को अपडेट देखने को नहीं मिलेगा और अपडेट देख सकते हैं 22 फरवरी को ही ये अपडेट रोल आउट किया गया है आज के डेट में ही, और लिमिटेड यूजर के लिए सीट अवेलेबल है इस अपडेट के लिए। उसके बाद चलिए देखते हैं कि कौन सा आपको रिक्वायर्ड वर्जन होना चाहिए और क्या क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपके डिवाइस में सबसे पहले अपडेट देखने को मिल पाए और ईयरली एक्सेज का फॉर्म फिल करने के लिए भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यदि आप इस अपडेट को करना चाहते हैं तो आपके डिवाइस में 10 GB का स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज खाली होना चाहिए। इस अपडेट को करने से पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले जो गाइडलाइन देखने को मिल रहा है। इसके बाद ईयरली एक्सेज एप्लीकेशन के लिए एक और गाइडलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो है कि आपका डिवाइस यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो कम से कम 60% चार्ज होना चाहिए, यानी आपके डिवाइस का बैटरी 60% से कम चार्जिंग है तो आप इस अपडेट को अपडेट मत कीजिएगा, क्योंकि अपडेट खुलते समय आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है यदि बैटरी चार्जिंग ज़्यादा ना रहेगी तो इसलिए आप अपने डिवाइस को फुल्ली चार्ज कर लीजिए। उसके बाद अगला जो रिक्वायर्ड वर्जन पूछ रहा है आप अपडेट के लिए, यहाँ पर देख रहे होंगे यदि आपके डिवाइस में लेटेस्ट सिक्योरिटी पर C.07 और C.0 का अपडेट है रियलमी UI 3.0 और Android 12 का तो आपके डिवाइस में ये अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप ईयरली एक्सेज को फॉर्म को सबसे पहले कैसे फिल करेंगे। उसके लिए आप अपने डिवाइस के मेन सेटिंग में जाइएगा, मेन सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा ट्रायल वर्जन का, उस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लोडिंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके डिवाइस में रियलमी UI 4.0 और Android 13 का ट्रायल वर्जन ईयरली एक्सेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ईयरली एक्सेज के ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन नोटिस देखने को मिल जाएगा रियलमी UI 4.0 का, और इसमें आप रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कही गई है। इसके बाद आपके डिवाइस में यहाँ पे अप्लाई नाव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 10 सेकेंड तक वेट करेंगे तो। इसके बाद अप्लाई नाव के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा, अप्लाई नाव के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोला जाएगा, मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे फिल योर इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस को यहाँ पे फिल कीजिए यदि आप रियलमी UI 4.0 और Android 13 का ईयरली एक्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म का अपडेट चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस को फिल करना पड़ेगा। सिंपली अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को फिल कीजिएगा, उसके बाद आपको एक नीचे एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, इस पर टिक करना होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आई हैव रीड एंड एग्री का मिलेगा ऑप्शन, इस पर आप टिक कीजिएगा और अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट के ऑप्शन पर आप सिंपली क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। सबमिट के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में अपडेट सक्सेसफुली ईयरली एक्सेज का जो फॉर्म है वो डन हो जाएगा। डन होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अंडर रिव्यू में चला जाएगा, जैसे ही रिव्यू में जाने के बाद सीट अवेलेबल होगा आपके डिवाइस में, तुरंत यदि सीट आपको देखने को अवेलेबल मिलेगा तो तुरंत अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा, ना तो आपको वेट करना
करना भी पड़ जाएगा 24 घंटा 48 घंटा का, लेकिन आपको अपडेट 100% देखने को मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने फॉर्म को फिल किया था और आपको जो अपडेट देखने को मिला था वो कितने GB का देखने को मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।